20 साल जब तक चल रही है मैं चलाऊंगा, और अगर 50 साल भी चले मैं चलाऊंगा उसे। जस्ट रोड के हम थोड़े से एंड में आ गए, अगर हल्की गाड़ी होती कोई तो हमें सीधे नीचे गिरवाते दिखाई दे। ये गाड़ी 2015 भैया बोल रहे हैं बट लग नहीं रही है 15 के हिसाब से। वही मैंने भैया से पूछा कि डस्टर छोड़ के आप इसकी तरफ क्यों आए। तो भाई काफी लंबे समय बाद वीडियो लेके आ रहे हैं अपने चैनल पे, और एक काफी स्पेशल गाड़ी आज हमारे पास। ये गाड़ी दिखती मस्कुलर जरूर है और कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको डस्टर समझ के भी धोखा खाते हैं, है ये निसान की टेरेनो। और ये जिसकी गाड़ी है उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, क्योंकि ये एक ओनरशिप रिव्यू है। निसान की टेरेनो सामने खड़ी हुई है और देख सकते हो अभी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करके गाड़ी यहाँ पे आई है, और जो इसके ओनर है ना वो भी इस गाड़ी की तरह ही है बिल्कुल मस्कुलर। तो उनसे मिलवाते हैं पहले, फिर देखते हैं कि इस गाड़ी के बारे में वो क्या बताते हैं कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। उनसे बेहतर तो कोई और बता ही नहीं पाएगा। तो ये है इस गाड़ी के ओनर। हाय गाइस, हमारे चेतन भैया। तो भैया आप क्या करते हो पहले ये बताओ। मेरा प्रोफेशन जिम है एंड देन मेरा कुछ और काम भी है, मोस्टली मेरा प्रेफर्ड बिजनेस ही है ऐसे कहा जाए तो। तो आपने निसान की टेरेनो रखी है जी। गाड़ी ये वैसे काफ़ी कम दिखती है, मतलब काफ़ी कम लोग लेते हैं इस गाड़ी को। तो आपने पहला ये बताओ कि डस्टर छोड़ के ये गाड़ी क्यों खरीदी? एक्चुअली जब मार्केट में पहली बार आई थी तो कंपटीशन निसान ही लेकर आया था, पहले निसान ने लॉन्च करी थी। अच्छा। निसान टेरेनो करके। हाँ। देन उसी के साथ रेनॉल्ट ने भी ये गाड़ी लेकर आया डस्टर के रूप में। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेम है, ठीक है, बट स्टिल कंपेयरमेंट में प्राइसिंग डस्टर के थोड़ा कम थे क्योंकि उनको ज्यादा। अच्छा, डस्टर सस्ती थी इससे? डस्टर सस्ती थी और ये महंगी थी, ये थोड़ा महंगा था। तो आपका ये टॉप मॉडल है या क्या है? ये मेरा सेकंड टॉप है। अच्छा, सेकंड टॉप है, इससे भी ऊपर भी एक आता है। ऊपर भी एक मॉडल है, उसमें स्क्रीन लगती है। हाँ। एंड देन कुछ डिफरेंट बेनिफिट भी है, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी टॉप के ही बराबर है इफ यू डोंट वांट स्ट्रीट साइड। अभी मेरे पास 7 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को मेरे साथ रहे। मैंने 2015 में ये गाड़ी ली थी, आज के टाइम पे चल रही है, अच्छी चल रही है, 80,000 से ऊपर चल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। अच्छा, 80,000 की गाड़ी चला दी आपने? बस चला दी है और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई, कभी भी ऐसे सीरियस इश्यूज कभी भी नहीं आए थे। यार भाई ये तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी में अभी मैं भी बैठ के आया हूँ और इस गाड़ी के जो सस्पेंशन है ना वो इतने स्मूथ है, मतलब फील ही नहीं हुआ कि हम ये कच्चे रास्ते से आए अभी इधर को। और देख लो गाड़ी की जो कंडीशन है ना वो भी अभी मिंट कंडीशन में है गाड़ी। और अब इस गाड़ी के बारे में ना आप मेरे को कुछ चीज़ें बताओ। आपने ये गाड़ी चला ली है, 80,000 चला ली है, कम नहीं होता 80,000। और इस गाड़ी में आपको क्या कमियां देखने को मिली और क्या खूबियां आपको इस गाड़ी की लगती है? सबसे पहले तो अच्छाइयां बताओ इस गाड़ी की, क्या अच्छाइयां हैं? सबसे अच्छाइयां आपको कोई भी गाड़ी में जितनी स्पेस नहीं मिलेगी जितनी इसमें मिलती है लास्ट में। अच्छा, बूट स्पेस? बूट स्पेस, बूट स्पेस आपकी बहुत लार्ज है इसमें, आपको दिखाना चाहूंगा। दिखाओ आप बूट स्पेस, दिखाओ एक बार गाड़ी का। भैया पहले तो भैया ने बात करी है बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस ही देख लेते हैं इस गाड़ी का। अरे यार ये बूट स्पेस तो कुछ गजब का ही है, इस पे तो मतलब दो बंदे लिटा सकते हो आराम से। आराम से अगर आप इसको हटा दो देन देखिए यार ये तो मतलब गाड़ी थर्ड रो के साथ भी आ सकती थी इतनी जगह इस पे। अब वो कंपनी के ऊपर है कंपनी ने कैसे लॉन्च किया है, लेकिन हाँ थर्ड तो मुश्किल था। लेकिन ऐसा स्पेस बूट स्पेस देखा जाए तो काफी अच्छा दिया गया है। तो मतलब आप ट्रिप भी मारते हो इस गाड़ी से लंबी लंबी? मारता हूँ मैं तो, तब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती होगी? कभी भी दिक्कत नहीं हुई, इवन कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी को टो कराने की पोजीशन आ पाए। हमेशा के कहते हैं गाड़ी ने कभी कोई धोखा नहीं दिया आपका। इवन माइनर से कभी एक बार दिल्ली गया था मैं तो चूहे ने काट दिया होगा कहीं पर, तो बस एक बार हाँ शो नहीं कर रहा था करके आपका ये जो क्या कहते वायरिंग का कुछ वायरिंग से जो आपका फ्यूल टैंक है वो फ्यूल टैंक शो नहीं हो रहा था, बट स्टिल ये बहुत माइनर है एज कम्पेयर टू रियल लाइफ में तो क्या क्या चीज़ें गाड़ियों में हो जाती है। दिक्कत सीरियस मेजर आज तक नहीं आया। निसान टेरेनो से मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ, जस्ट ये है कि उनने कंटिन्यू नहीं रखी बिकॉज ऑफ देयर सेल्स, ठीक है। डस्टर और निसान में अभी तो ये डिस्कंटिन्यू हो गई ना, डिस्कंटिन्यू 2018-19 के टाइम पे हो गई थी जस्ट बिकॉज सेल नहीं हो पाई। लेकिन इंडिया के मार्केट के हिसाब से आप देखा जाए तो उनके लिए 50,000 एंड 80,000 बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, सो लोग डस्टर की तरफ हो गए। वही ये गाड़ी काफी कम दिखती है और बिल्कुल डस्टर से सिमिलर है ये गाड़ी। वही मैंने भैया से पूछा कि डस्टर छोड़ के आप इसकी तरफ क्यों आए, वो सारी खूबियां अभी और भी हमें भैया बताएंगे। तो भैया और क्या इस गाड़ी की खूबियां हैं, जैसे ड्राइविंग कैसी है इस गाड़ी की, इस गाड़ी का माइलेज कैसा है? माइलेज इसका अगर अब मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं मानोगे 2500 में मैं यहाँ से दिल्ली जाके हल्द्वानी टू दिल्ली देन दिल्ली में 60 किलोमीटर का रन उसमें ही देन वापस आना 2500 के फ्यूल में हो जाता है।
इवन अगर एवरेज क्या बात कर रहे हो, ऊपर नीचे कुछ लगभग कह भी दिया हो, 15-20 किलोमीटर ऊपर भी कह दिया, लेकिन इतना फॉर श्योर है 2500 में यहाँ से वहाँ जाना 20-30 किलोमीटर 35-40 किलोमीटर समथिंग एल्स आपका वहाँ का ट्रिप एंड देन वापस। और मतलब भाई हमारे यहाँ से जो एवरेज मिल जाता है दिल्ली है वो लगभग 300 किलोमीटर जाना ही हमारा हो जाता है, तो टोटल 600 किलोमीटर अगर मैं वैसे मोटा मोटा देखा जाए तो 17-18 का एवरेज देती है ऑन हाईवे। क्या बात कर रहे हो। और इस गाड़ी में जो इंजन आता है वो कितने, 2000 सीसी का कितना है? ये 2000 सीसी का नहीं है, अराउंड 1400 समथिंग का है, 1460 समथिंग। और डीजल इंजन आता है इस पे? ये तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है गाड़ी, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। और ड्राइविंग में कैसी लगती है भाई ये बताओ, मतलब इतनी जगह आप ले गए हो। 2015 से लेकर 2021 में मॉडल चेंज हुए हैं, तो काफ़ी मॉडल चेंज हुए हैं, ठीक है, तो आज की ड्राइविंग बहुत स्मूथ है। उस समय ड्राइविंग थोड़ी सी रफ है, थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन एज अ हमें अच्छी लगती है, ठीक है, वी लाइक रफ राइड्स। वैसे भी ये कहते हैं कि जो एसयूवी होती है थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, होनी चाहिए, नॉट अ स्मूथनिंग, जैसे उंगली से ही आपका ऐसे हो जाए। वही वही, लेकिन हाँ, लेकिन आज के टाइम पे ढलना भी पड़ता है, सो गाड़ी काफ़ी अभी स्मूथ हो चुकी है, देर हैंडल जो है वो स्टेयरिंग व्हील है जो बहुत काफी, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आने लग गए अब तो ऑलमोस्ट। अब इस गाड़ी के जो अलॉय व्हील्स दिख रहे हैं, 15 मॉडल गाड़ी है जी, लेकिन 15 मॉडल के हिसाब से डायमंड कट अलॉय व्हील्स क्या सूट कर रहे हैं गाड़ी? ऑफ कोर्स अभी तक ये चीज बेस्ट थी है, जो डायमंड 2015 में व्हील्स क्या कहते हैं अपने अलॉय प्रोवाइड करे थे, वो अभी भी अगर कंपेयरमेंट में आए ना तब भी कहेंगे ये वाले अच्छे हैं ज्यादा, ठीक है। क्या बात कर रहे हो। एक बार क्या कहते हैं मेरा थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या कहते हैं मेरे टायर पे लगी थी जस्ट उसके आपका क्या कहते हैं अलॉय का वो निसान का पैच निकल गया एंड हाँ। थोड़ा सा ये कट लगा है यहाँ पर, थोड़े सा ये हुआ, अच्छा ये बैंड हो गया थोड़ा, हाँ, भाई थोड़ा हुआ था, लेकिन स्टिल अभी भी काम कर रहा है वो, मैंने चेंज करने की नहीं सोची, मतलब तो काफी गाड़ी मजबूत गाड़ी है बहुत। कंपनी दिखाया, बस कंपनी ने कहा ऑल ओके, नो प्रॉब्लम, नो नथिंग। अब आपको पता ही है आजकल जो गाड़ियां है ना, लोग कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी ऐसी है वैसी है, बिल्ड क्वालिटी लो है आज के टाइम पे। हाँ, इस गाड़ी की कैसी लगती है आपको? इस देखिए अगर कंपेयर करा जाए तो ऑल द अबव करके ठीक है, अच्छी है, ठीक है, हैवी गाड़ी है। इवन हमारा जब एक्सीडेंट हुआ था, तब ठीक है, एक्सीडेंट इन द सेंस क्या, गार्ड पिकअप आई थी और हमें ठोक दिया था उसने। अब लगा लो हम जने, तीन जने थे गाड़ी में, हाँ, हम कहते पहाड़ की साइड को थे, जस्ट रोड के हम थोड़े से एंड में आ गए, अगर हल्की गाड़ी होती कोई तो हमें सीधे नीचे गिरवाते थे खाई पे। यार पिकअप तो वैसी भारी गाड़ी होती है, वही चीज़ है, वो पिकअप कहते इतनी जोर से ऊपर से आते हुए हमें जस्ट मोड़ के पूरा उधर को पिचका। फेंडर लाइन ऑफ कोर्स हल्की होती है, ठीक है, फेंडर लाइन हल्का ही होता है, कोई भी गाड़ी का देख लीजिएगा फेंडर लाइन हल्का रहता है, ठीक है, मजबूती होती है, फिर भी मेटल दिया है इन्होंने, हाँ, मोनेट में मजबूती होती है, ये तो फाइबर है अपना, हाँ, ये तो ऑलमोस्ट ये तो रहता ही है आपका कहते हैं तो, हाँ, मोस्टली यही है। नहीं, ये गाड़ी तो देख के ही लगती है कि भारी गाड़ी है, मस्कुलर गाड़ी है, और आप पे तो सूट भी करती है। बाकी आपने अच्छाइयां गाड़ी की बताई है कि ड्राइविंग में मजा आता है, ड्राइविंग में मजा आता है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, एवरेज भी आपने बोला 17-18 का देती है, पहाड़ों में 15-14 का एवरेज मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ट्रिप में मैंने कहा ना करके टो सर्विस की जरूरत पड़ जाए या कभी कुछ हो जाए, हाँ हाँ, तो इट्स ऑल वेल एंड गुड, अभी तक सही चल रही है, मैंने गाड़ी भी चेंज नहीं करी है, बीच में माइंड मेकअप हो रहा था कि मैं दूसरी गाड़ी लूँ, बट मैंने कहा जब मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी है तो व्हाई शुड आई गो इन अदर कार, ठीक है, लेट्स सी करके कितने साल तक चलती है। तो वैसे आपने टाइम पे भी डस्टर भी आती है ना, डस्टर, हाँ, है, डस्टर ने ज्यादा अपने को चेंज नहीं किया, नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा, थोड़े से लिटिल बिट चेंजेस कर रखे हैं एसेसरीज में, स्क्रीनिंग में, और क्या कहते हैं एयर वेंट क्लिक के थ्रू एसीज में, बट ज्यादा चेंज, बट बिल्कुल ज्यादा नहीं कर रखा, बिल्कुल नहीं, आपका 19-20 का डिफरेंस जो कहोगे ना आप डस्टर और इसमें, तो ये आप टेल लाइट से कहोगे, वही टेल लाइट से इसकी समझ आता है कि ये डस्टर नहीं है, ये निसान की गाड़ी है, टेरनो, बस एक बैचिंग एंड टेल लाइट देख सकते हो आप पीछे, आज भी डस्टर ने चेंज नहीं किया है लोग, बिकॉज गाड़ी में कुछ चेंज करने लायक नहीं है, लेकिन आने वाले मीनवाइल में लोग नई नई डिमांड्स रखते हैं करके उस गाड़ी में ये है इस गाड़ी में, तो छोटे मोटे चेंजेस कर देते हैं जैसे आउटमोस्ट लुक में। इसकी आपने कुछ तारीफ तो कर दी गाड़ी की जी, और यहाँ पे अगर पीछे वाली सीट की बात करें, बड़ी गाड़ी है तो कैसी है, मतलब पीछे वाली सीट बहुत कंफर्टेबल है, राइट व्यू आपको, जो आपको व्यू दिखता है बाहर का बहुत वाइड एरिया में दिखता है, और रिलैक्स मतलब आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, कोई इशू नहीं रहेगा, बैठने के लिए आप 3 भी बैठ सकते हैं कंफर्टली, कोई इशू नहीं रहेगा, दो बैठेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब तो आपकी हाइट कितनी है एक बार, आपकी हाइट एग्जैक्ट 6 है, 182.5 सेंटीमीटर, तो आप एक बार बैठ के दिखाओ, देखो भाई भैया की जो हाइट है ना वो काफी अच्छी खासी है, एंड देन रूफ कितना डिफरेंस है, यार लेग रूम भी काफी अच्छा खासा है, फ्रंट वाले आगे भी सीट उसने पूरी पीछे करेगी, स्टिल हैव सो मच, यू कैन सी भाई आगे तो मैं ही बैठा था अभी, फुल कंफर्ट में एकदम, देखिए हमारा गैप स्टिल है ना, बिल्कुल है ना,
तो यही रीजन है गाड़ी मतलब से कंफर्टेबल, तीन लोग गाड़ी में आराम से पीछे बैठ के जा सकते हैं और गाड़ी फुल्ली लोडेड आपकी हर चीज है इसमें जी, अगर इमरजेंसी पर्पस हुआ तो आप पीछे भी बैठा सकते हैं, बस ऊपर का वो निकाल के कोई इशू नहीं रहेगा आपका, वो भी सही है। हाँ, गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट और अंदर कोई दिक्कत कभी आई, म्यूजिक सिस्टम इज ऑलवेज एज रॉ एज पॉसिबल, जब जैसा था वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज आप मेरे को बताओ ना, गाड़ी निसान की लोग ये सोच के डर जाते हैं कि मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगा। नहीं, मेंटेनेंस वही रहता है, मेंटेनेंस कोई ज्यादा नहीं है। महंगी गाड़ी लोगे तो उसके हिसाब से मेंटेनेंस होगा, छोटी गाड़ी लोगे तो उसके हिसाब से मेंटेनेंस होगा। आपका क्या कहते हैं, आप अगर दूसरी गाड़ी का कंपेयर करेंगे ना, इवन आपका जो पीछे बूट स्पेस है आपका, उसका जो ये होता है ये बहुत हल्का होता है, इट्स हैवी। नहीं अभी तो नई एक्सयूवी में भी फाइबर का दे रहे हैं वो लोग। हाँ, इट्स हैवी, इट्स वेरी हैवी, ठीक है। हाँ, आप दूसरी गाड़ी का कंपेयर करोगे वो लाइट होता है, बहुत लाइट होता है। नहीं ये काफी हैवी है, मैंने अभी देखो यार, ये बहुत ज्यादा हैवी है, अच्छा खासा हैवी है। तो चलो फिलहाल गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं, और यहाँ पे हवा भी चल रही है ना काफी, तो थोड़ा सा नॉइज डिस्टरबेंस हो सकता है इसका। आपका सारा इंटीरियर जो है वो हल्का नहीं है, क्वालिटी कहीं पर से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, निसान डजंट कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग, ठीक है। मतलब आप तो फुल्ली सैटिस्फाइड हो निसान से। टोटली सैटिस्फाइड, व्हाई शुडंट आई। बट एक चीज आप मेरे को बताओ, आपने ये गाड़ी 2015 में खरीदी, तो ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी, सेकंड टॉप है गाड़ी। ओके, उस समय देखिए, उस समय मैं क्या कहते हैं 12.5 समथिंग के अराउंड पड़ा थी मुझे ऑन रोड। ऑन रोड बात बताओ जी, 2015 मॉडल की गाड़ी है जी, टच स्क्रीन इस गाड़ी में है ही नहीं, नहीं। मतलब नॉर्मल वाला है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो आपने कभी अपग्रेड कराने का सोचा नहीं इसे? ऑफ कोर्स नॉट, व्हाई शुड आई, एक बार बताइए, व्हाई शुड आई नीड इट अपग्रेड, मुझे गाड़ी चलानी है भाई, मुझे क्या कहते हैं कोई वहां पर सिस्टम में देखकर थोड़ा करना है, किसी का एक्सीडेंट या बहुत बढ़िया बात कही आपने, या दूसरों को वो थोड़ा करना है, कोई दूसरों को एंटरटेनमेंट इज ऑल अबाउट सॉन्ग्स, यू नो, इफ देयर इज अ जर्नी यू नीड ओनली सॉन्ग्स एंड स्टोरीज ऑफ ईच अदर, नॉट अ वी हैव टू शेयर अ वीडियो और समथिंग लाइक दैट। और स्पेस वाइज भी गाड़ी में बहुत जगह है, और एयरबैग इसमें दो ही आते हैं शायद, एक यहाँ है और एक ड्राइवर के लिए। लेकिन अच्छा, जिस समय हमें थोड़ा सा गाड़ी ने पिकअप मारा था तो ये ओपन नहीं हुए थे, सो इतना वो तो नहीं अच्छा। था, लेकिन स्टिल मैं आपको फुटेज शेयर करूंगा जब इसका एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल फुटेज इसमें डालेंगे। हाँ, आई विल शो यू द फुटेज कितना सीवियर था वो, लेकिन गाड़ी वॉज सो मच करके वो अपनी जगह से हिली नहीं। मतलब आगे से गाड़ी आपकी लगी, आगे से गाड़ी ऐसी पोजीशन में थी, गाड़ी ने ऐसे आके सीधे हमें मारा है हमारे टायर पे, वो टायर बस्ट हुआ और गाड़ी को थोड़ा सा पुश करा पाया, लेकिन खाई के नीचे नहीं गिराया। और बाकी काफी लोगों को लग रहा है ना कि ये गाड़ी 80,000 चली भी होगी, क्योंकि 80,000 चलने के बाद गाड़ी का जो अंदर की कंडीशन होती है काफी घिस जाती है। ये सीट कवर आपने दोबारा डलवाए? नहीं, ये सीट कवर मैंने पहले से ऐसे ही रखे थे, सिंस 2015 ये सीट कवर वैसे। अब यार देख लो गाड़ी कितनी मेंटेन है, कहीं से नहीं लग रहा। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे लग रही हैं, थोड़ी सी ऐसे टाइम के साथ साथ अब 80,000 चल गई है गाड़ी है, ये क्रोमिंग जो ऐसा कलर था वो निकल गया, देन वहाँ पर घिस गया, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है, इसको तो आप फिर से रिपेयर। फिर भी लोगों को लग रहा है, देखो मैं दिखा दूं, गाड़ी 81,000 चली है बल्कि, और गाड़ी की जो कंडीशन है ना वो बैड से पता लग रहा है, एकदम काफी मेंटेन्ड गाड़ी है आपकी। अब यार ये तो बात होगी आपकी गाड़ी की अच्छाई होगी, माइलेज भी आपने बता दिया, मेंटेनेंस की बात करो एक बार, मोटा मोटा खर्चा कितना आया आपका आज तक इस गाड़ी में? देखिए मोटा मोटा आज तक खर्चा ये तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज साल में एक सर्विस तो आप कराएंगे, करा ठीक हो गया, ठीक है, सर्विस में आप जितना लगता है वो आप देंगे, एक मिनिमम चार्ज तय होता है, लेबर चार्ज कितना करना है वो आपके हिसाब से होता है। हाँ, गाड़ी के पार्ट्स महंगे हैं क्योंकि गाड़ी वर्थ करती है, गाड़ी के सारे पार्ट्स महंगे, डिस्कंटिन्यू हो चुकी है गाड़ी 2018 में 2017 हाँ, में तभी, लेकिन स्टिल उसके पार्ट्स मिल जाते हैं। मैं जस्ट जब हाल ही में हुआ था तो मैं गया, उन्होंने कहा ओके सर वी विल गेट यू इन 2 डेज, उन्हें 2 डेज के टाइम में मेरे सारे पार्ट्स मंगवा दिए, कुछ पार्ट्स अवेलेबल थे, कुछ यार मतलब सर्विस तो काफी अच्छी है कह रहे हो आप, निसान सर्विस बेटर, सर्विस हमेशा देती है, सर्विस के मामले में निसान के कहते हैं हमेशा अपडेट रखती है, कॉल करती है कस्टमर को, करके कस्टमर को डिसेटिस्फाइड नहीं होता है, इवन अगर कस्टमर को कोई डिसेटिस्फेक्शन होता है तो दे कॉल हमें बुलाते हैं एंड देन कहते हैं करके आपको सर कोई भी इशू है सो टेल अस सम। ये तो आपने गाड़ी की बहुत तारीफ कर ली, अब आप मेरे को ये चीज बताओ, आपने गाड़ी चलाई है और हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगती हैं कि यार गाड़ी में इम्प्रूव हो सकती थी उस टाइम के हिसाब से या आज के हिसाब से? पहली बात तो ये है करके यू कांट कंपेयर 2015 मॉडल टू 2022 मॉडल। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, 2015 के हिसाब से ये परफेक्ट क्लास है,
ठीक है 2022 के लिए हैंडलिंग स्मूथ हो गई है, सारी चीज फीचर्स नए फीचर्स आ गए, ठीक हो गया, ठीक है। गाड़ी क्या चाहिए, गाड़ी इज ऑल अबाउट यू नो गोइंग, मतलब जहाँ जा रहे हो आप सही से चले और क्या दिक्कत ना करे, छत हो आज इस पे। अब आपको लगता है कि सनरूफ की जरूरत है गाड़ी? नेवर नीडेड ऑफ सनरूफ। एक ऐसा कोई पर्सन बता दो जो गाड़ी चला रहा हो सनरूफ देख रहा है। नहीं आजकल आप देखो छोटी छोटी गाड़ियों में सनरूफ आ रहा है। पीपल नीड समथिंग एल्स, पीपल जो लोग हैं उनको नई चीज की आदत, मतलब नई चीज होती है तभी वो आई कैचिंग होती है, तभी वो दूसरी कंपनी कुछ ना कुछ डालती रहती है। इट्स अ गुड थिंग, जैसी डिमांड है वैसी कंपनी पूरी कर रही है, डिमांड है वैसी पूरी करती है, कुछ नया चीज लाते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नहीं तो सेम गाड़ी बैलगाड़ी बन जाती है। बट राइट नाउ मेरे कोई मूड नहीं है करके, मैं आगे आने वाले साल जब तक चल रही है मैं चलाऊंगा, और अगर 50 साल भी चले मैं चलाऊंगा इसको। अरे मैं इसको हटाऊंगा, मतलब भैया फुल्ली सैटिस्फाइड हो? ओके एंड आई वांट टू मेक इट फर्स्ट वन। नहीं वो तो गाड़ी की कंडीशन देखी, एक बार मैं दिखा दूँ अच्छे से कंडीशन, देखो बाहर से लग रही होगी गाड़ी के टायर्स भी बिल्कुल एक अच्छी कंडीशन में रखे हैं, और कहते हैं ना गाड़ी बिल्कुल कंडीशन वाइज बहुत बेस्ट रखी है, वो इस गाड़ी को देख के ही पता चल रहा है। ये गाड़ी 2015 भैया बोल रहे हैं बट लग नहीं रही है 15 के हिसाब से। अभी मैं 18-19 मॉडल की दिखाऊंगा ना आपको, उनकी कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा बहुत रॉ टाइप की रहती है। अभी ये गाड़ी हम लेके आए हैं पूरी कीचड़ से, मठ से, बिल्कुल स्लस से लेके आए हैं पूरी, और कहीं पे भी गाड़ी ने बिल्कुल फंसी नहीं है, और कहीं पे भी इस गाड़ी ने परेशान सा नहीं करा। सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इस गाड़ी के, एकदम मज़ा ही आ गया भाई। और ड्राइव वाइज तो भैया चला ही रहे हैं और कह रहे हैं फुल्ली सेटिस्फाइड है। अगर अगर ये गाड़ी अगर धुल जाए ना, हाँ, तो ये ऐसे चमकती है ना रोड में, यू कैन सी करके देखने से ही बनता है करके गाड़ी में है यार कुछ, गाड़ी है ये, लोग कंपेयर नहीं कर पाते व्हाट इट इज, डस्टर या कुछ समथिंग। तो मतलब आप कलर यू नो कलर इज सो डिफरेंट, यू नो गंदा भी जल्दी हो जाता है लेकिन जब चमक जाता है तो अच्छा भी सबसे ज्यादा यही लगता है। थोड़ा सा डस्टी हो गया क्योंकि हम अभी मड से आ रहे हैं, गंदी है, अगर साफ होती ना यू विल से यार गाड़ी इज अ गुड यार। ये सही बात है, देखो गाड़ी में ना ये जम रहा है क्योंकि कीचड़ है, लगता है गाड़ी का लुक है थोड़ा क्या कहते हैं मस्कुलर टाइप। मुझे अपनी चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी, अगर उसमें कोई भी इशू आता है मैं उसको और जल्दी ठीक कराता हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई थिंग्स, और तो ये बहुत बेस्ट चीज़ बताई आपने। मेरी चीज़ है, मैं नहीं संभालूंगा तो दूसरे कहाँ से, मैं एंड सेकेंड थिंग मैं अपनी गाड़ी किसी दूसरे को नहीं देता हूँ, ना चलाने के लिए ना कुछ, आज तक मैंने कभी नहीं दी किसी को, किसी ने मांगी, जस्ट बिकॉज एक गाड़ी जब क्या कहते हैं आपके हाथ में, सिंगल पर्सन के हाथ में रहती है तो काफ़ी अच्छे से रहती है। दूसरा पर्सन कैसे चला रहा है, कैसे ड्राइव कर रहा है, कैसी चीज़ें कर रहा है, यू कैन नो, यू नो बिल्कुल गाड़ी अपने मालिक को सही से जानती मतलब है। मतलब अभी तक 80,000 गाड़ी चल गई है, कोई मेजर काम ही नहीं हुआ है गाड़ी में, मेजर काम बिल्कुल ना भी नहीं क्लच का ना किसी भी चीज़ का। कहते हैं मैंने आप डिस्प्ले चेक करिए, वो घिस चुके हैं लेकिन स्टिल दे वर, आप चेक कर सकते हैं अभी घिस चुके हैं। हाँ ये तो चले गए, इट्स आई एम मेकिंग वर्क, कोई ऐसा इशू नहीं आ रखा है, काफी बढ़िया है। गाड़ी के टायर चेंजेस नहीं हो रखे, नहीं गाड़ी के टायर चेंजेस अभी मैंने, ये कितने टायर चेंज 80,000 में? हाँ ये मैंने दूसरा सेट है, ये मैंने 64,000 किलोमीटर में चेंज करवा दिए थे। क्या बात, ये दूसरे टायर्स हैं, ये तब भी वो टायर यार मतलब गाड़ी में जो बेसिक फीचर्स चाहिए वो सारे। ये 4 साल तक मैं पहाड़ों में नहीं जाता था इनिशियल फेज में, क्योंकि मुझे थोड़ा उस समय ड्राइव का नहीं था अंदाजा, मैं लोकल राइड्स करता था, मैं यहाँ से दिल्ली हिल मतलब नीचे हाईवे की साइड्स को ज़्यादा रन करता था, सो वो चल गए। लेकिन अभी पहाड़ के साइड को जाने में थोड़ा सा टायर का दिक्कत रहता है, वो इशू रहता ही है। आई स्टेप नहीं मैं क्या कहते हैं यूज़ करता हूँ जब मतलब हो जाती है, मतलब हमारी गाड़ी जो है ना ये पहाड़ों में ही ज़्यादा चलती है, नैनीताल भीमताल केदारनाथ कहाँ कहाँ भैया इसको ले जाते हैं बतानी गाड़ी को। मैं तो ये ऑलमोस्ट ये हाईवे के लिए भी बेस्ट है लेकिन क्या कहते हैं पहाड़ों के लिए ऑल द वे बेस्ट है। अब एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि आपने क्या गाड़ी की कभी रीसेल वैल्यू पता करी है? सर रीसेल वैल्यू पता करी है एंड क्या कहते हैं इट्स अराउंड 450। हाँ इतना तो होता ही है, निसान की थोड़ी कम रहती है। निसान की इसलिए कम है क्योंकि लिमिटेड गाड़ी है मार्केट में, गाड़ी है ये बंद हो चुकी है, दैट्स द रीज़न करके ये होगी। अगर ये गाड़ी ज़्यादा मात्रा पे होती इसकी तो रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती। चलो यार गाइज अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो फिलहाल आज की वीडियो हमारी बनी है टेरेनो के ऊपर, निसान की टेरेनो, और अभी आने वाली काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। और थोड़ा इनएक्टिव थे उसके लिए थोड़ा सॉरी, बट अब मज़ा आने वाला है। और फिलहाल भैया को बोलते हैं टाटा बाय बाय। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलते हैं अगले रिव्यू पे। ओके तो और भी गाड़ियां भैया के पास, उस पे भी आएंगे भैया।